हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आइसोमेट्रिक का चौथा वीडियो यानी पार्ट फोर बनाने जा रहे हैं, चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे कि उससे जो स्लॉट होते हैं, पहले क्या हुआ था, जो इसके पहले जो डायग्राम था सेम ही था, सिर्फ हम क्या कर दिए हैं, ये स्लॉट बना दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्लॉट है हाइट में और इसका डेप्थ है, कुछ इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस टाइप का जो आइसोमेट्रिक डायग्राम अगर बुक में दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है ड्राइंग शीट पर, तो आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो जो पार्ट थ्री में मैंने वीडियो को समझाया था, इस टाइप का ड्राइंग समझाया था, तो सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस आपको ये चीज़ सीखना है कि अगर स्लॉट बनी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सुबह से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह बहुत सारा वीडियो अपडेट देता रहूँगा ड्राइंग से संबंधित, जितनी भी ड्राइंग है मैं सारा स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। एलिप्स लेकर पूरी जितनी भी ड्राइंग होती है सब बताऊँगा, बाकी आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय हम आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बता रहे हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू किस कैसे कैसे बनाते हैं, तो आपको धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा किस तरीके से आपको आइसोमेट्रिक बनता है ड्राइंग शीट पर। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में भी ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक, इसके बाद हम ऑर्थोग्राफी के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद मिसिंग व्यू। ठीक है, तो पहले आइसोमेट्रिक सीख लेते हैं बनाना किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं डायग्राम पर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर, क्योंकि सेट स्क्वायर से समझाना आपको, मतलब सेट स्क्वायर से हम बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, अगर हम स्केल से समझाएंगे तो आपको दिमाग में घुसेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो मैं आपको सेट स्क्वायर से ही समझाऊंगा, टोटल जितनी भी ड्राइंग है सेट स्क्वायर से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो सेट स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारा सेट स्क्वायर ले लिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर टूटा हुआ है, इस पर ध्यान ना दीजिएगा, केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से हम ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो बताते चलूँगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक लाइन यहाँ पर हम लेंगे, एक सिंपल सा लाइन, सीधी सी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर दिए, थोड़ा सा हम नीचे सेट करते हैं इसको बराबर, और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 50 mm 30 mm, तो हम जल्दी जल्दी हम ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए हिल गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 ले लेंगे, अब ये हमारा 50, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 बन गया, ये हमारा 30 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हम 10 का बनाएंगे और ये 30 का बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 10 और 10 का हाइट लेंगे और जो ये वाली हाइट रहेगी हमारी 30 की रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सेट स्क्वायर रखेंगे, तो इस सेट स्क्वायर देखिए यहाँ पर हमारा डायमेंशन दिया होता है, तो अब सेट स्क्वायर से ही स्केल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेट स्क्वायर से ही आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर 10 mm का हाइट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जाते हैं, 10 mm का यहाँ पर हाइट ले लिया। ठीक है, अब हम इस साइड जाते हैं, यहाँ पर इस साइड जाते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 30 mm का हाइट ले लेते हैं, तो 30 mm का हाइट हम थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, 30 mm का हाइट चाहिए, अरे ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, ये हमारा 10 का है और ये हमारा 30 का है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से, हम क्योंकि ये 10 का है तो
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 10 का है, ये 10 का है, तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं, ठीक है, बिना सेटिस क्वार से। लेकिन ये क्या है, 30 का है, तो हम इसको नहीं मिला सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला लाइन खींचेंगे और ये वाला लाइन को हम क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद ये दोनों लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा देख सकते हैं कि डायमेंशन में 25 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर रखते हैं, कितना है, 25 mm, ये 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सीधे इसको हम आगे की तरफ हम ले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से हैं ले लेंगे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, सेट स्क्वायर किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका कभी भी आइसोमेट्रिक व्यू जब भी आप बनाएंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 25 हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 25 है और ये 25 है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसी को हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन है 20 mm, यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं 20 mm, ठीक है। अब इसी को हम टच करते हैं और यहाँ से 20 mm हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 mm ड्रॉ कर लिए, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, 20 mm ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 25 है, ये 25 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम इसी तरह मिला देंगे, यहाँ पर सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे इस वाली लाइन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रॉस बना होगा रेड कलर का, ब्लैक कलर का, वहाँ पर रखेंगे और हम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर ऐसे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये वाला लाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा दूरी बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा सेट स्क्वायर ब्लैकबोर्ड के हिसाब से छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम जितना ही बचेगा बाद में हम इरेज कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये वाली लाइन हमें बनानी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से यहाँ पर कहीं भी रख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा सेंटर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखने के बाद इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये लाइन एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेजर से हम हल्के हाथों से हम डिलीट कर देंगे कि पता ना चले कि आगे हमारी लाइन चली गई थी। अब हमें क्या बनाना है, ये स्लॉट बनानी है। तो यही स्लॉट आपको बस सीखनी है किस तरीके से, अगर आइसोमेट्रिक व्यू में कहीं भी इस टाइप का स्लॉट दिया होगा तो आप किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताना चाहता था कि आपको ये किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल कितना है, 30 mm है, ठीक है, और ये हमारा 30 mm में होना चाहिए, यानी 10 mm यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है और इसका जो डेप्थ है, यानी गहराई स्लॉट की अंदर की तरफ जो गया है गहराई, वो हमारा 10 mm दिया हुआ है। तो यानी हमारा टोटल 30 है, तो 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, ताको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से, ठीक है, ये हमारा 25 है, ये हमारा 25 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्केल से नाप के, अब हम स्केल से मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 mm आपको
इस पॉइंट से इस पॉइंट में, ठीक है, 10 mm इधर से, ठीक है, और 10 mm इधर से। आप देख सकते हैं कि 10 mm इधर से करना है और 10 mm इस साइड से करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि ये लाइन बनानी है और ये लाइन बनानी है। तो हम पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से बनाएंगे, ठीक है। हम सेट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कितना है, 10 mm है, तो हम नाप के क्या करेंगे, 10 mm बना लेंगे, ठीक है। और सेम आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन बन गया हमारा। अब इसी को हम आगे की तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा दूसरा लाइन भी सेम लाइन बनेगा 10 mm का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एम। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। अब घुमाने के बाद हम यहाँ पर भी इसका भी हम बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ से हमारा ये शो कर रहा है, ठीक है, ये बनकर हमारा तैयार हो गया सेट स्क्वायर से। अब हमें बनाना है ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, यानी हमें गहराई को दर्शाना है, ठीक है। तो हम सेम प्रोसेस वही करेंगे, सेट स्क्वायर को रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, सेट स्क्वायर रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत हिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर यहाँ लगा देंगे, और इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सेट स्क्वायर की मदद से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इरेज कर देना है, ये वाला अंदर वाला भाग, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है सेम उसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सेट स्क्वायर थोड़ा हिल रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। बाकी बनाना किस तरीके से है मैंने बता दिया है, किस तरीके से आपको बनाना है। ये हमारा 10 mm हो गया, ये हमारा 10 mm हो गया, ठीक है। और जितने भी डायमेंशंस दिए हैं, डायमेंशंस के हिसाब से हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया, ठीक है। बनकर तैयार होने के बाद हम इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रंट दे देंगे। अगर फ्रंट रहेगा ये फ्रंट दे देंगे, साइड ये रहेगा तो हम साइड लिख देंगे, टॉप ये रहेगा तो टॉप लिख देंगे। तो आपको ये लाइन नहीं मिटानी है अगर आप ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू तो, ठीक है। एग्ज़ाम में भी अगर आता है आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए तो आप ये लाइन मत मिटाइएगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर चेक करता है तो वो समझ जाता है कि आपने सेट स्क्वायर की मदद से या मिनी ड्राफ्टर की मदद से जिस डायग्राम को आपने बनाया है, अगर इसको हम मिटा देते हैं तो हमें ये पता ही चलेगा कि ये बना तो सही है लेकिन कुछ नंबर डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर इस टाइप का आइसोमेट्रिक व्यू होता है तो हम किस तरीके से बताए हैं, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसे भी बेटर लेके आऊँगा जैसे कि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट में मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की कि इस तरीके से डायग्राम अगर बनाना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग शीट में तो हम किस तरीके से बनाते हैं सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है। तो मैं सारा ड्राइंग सेट स्क्वायर की मदद से ही बना रहा हूँ जैसे कि आपको समझाने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि सेट स्क्वायर से बनाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि आईटीआई के और डिप्लोमा के बाद सेट स्क्वायर से ही बनाया था ये सब ड्राइंग, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।